सभी नेताओं की मौजूदगी में वहां से माइक हमारा चोरी हो गया, हमारे पर्स निकाल लिए गए, कईयों के मोबाइल फोन्स गायब हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रुचा शर्मा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रविवार की महागठबंधन की रैली को कवर करने वाले पत्रकारों ने यह आरोप लगाया कि लोगों के एक अनियंत्रित समूह ने यानी असामाजिक तत्व ने उनके मोबाइल फोन, वॉलेट और माइक्रोफोन को छीन लिए। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि महागठबंधन की रैली होनी है, सभी वहां पे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन जो उसको कवर करने पहुंच रहा है यानी मैं पत्रकारों की बात कर रही हूँ, उनके साथ ये दुर्व्यवहार कैसा, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। पत्रकारों ने यह भी दावा किया कि ये घटना रविवार को ही जब जन विश्वास महारैली के दौरान तेजस्वी यादव को मंच पर बुलाए जाने पर खचाखच भरी भीड़ जय जयकार करने लगी। कार्यक्रम के लिए प्रवेश पास रखने वाले पत्रकार मंच के सामने बनी मीडिया गैलरी में रहते थे, अमूमन यही होता है। अब वो गैलरी में खड़े थे जितने पत्रकार उनको कवर करने पहुंचे थे। मीडिया गैलरी के पीछे रैली के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा थे। अचानक भीड़ ने सुरक्षा कर्मियों को धक्का दिया और मीडिया गैलरी में घुस गई। इस कार्यक्रम को कवर करने वाले पत्रकारों की तरफ से एक FIR दर्ज की गई है और ये बताया गया है कि उनके मोबाइल फोन, वॉलेट और माइक्रोफोन चोरी कर लिए गए। बीजेपी नेता अब इसको लगातार मुद्दा बनाए हुए हैं। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने रविवार को एक्स पर ट्वीट किया, जो पहले ट्विटर था। उन्होंने रैली के दौरान पत्रकारों के साथ कथित मारपीट की आलोचना की, आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने पत्रकारों पर हमला करने के लिए मीडिया और RJD कार्यकर्ताओं के खिलाफ बोला। मीडिया चैनलों की माइक छीनकर RJD कार्यकर्ता ले गए। पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की की गई, गाली गलौज हुई और पर्स पैसे लूट लिए गए। गांधी मैदान थाने में पत्रकारों ने इस बाबत FIR भी दर्ज कराई है। कल पटना स्थित गांधी मैदान में तेजस्वी यादव ने जन विश्वास महारैली बुलाई थी। इस रैली को सुनने के लिए RJD के बड़ी संख्या में समर्थक वहां पहुंचे हुए थे। मीडिया कर्मियों को पास दिए गए थे इस रैली को कवर करने के लिए, जिसमें हमारे संस्थान को भी पास मिला था। हम जब कल कवर करने के लिए वहां पहुंचे तो वहां अलग से मीडिया गैलरी बनाई गई थी, जैसे हर बार बनाए जाते हैं। लेकिन कल मंच पर बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे। कांग्रेस से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी खुद मौजूद थे, लालू यादव मौजूद थे, राबड़ी देवी मौजूद थे। तो इन सब की मौजूदगी में हमारे संस्थान और कई संस्थानों के माइक चोरी हो गए। दरअसल तेजस्वी यादव जब बोलने आ रहे थे तो उनके समर्थक उत्तेजित हो गए और सभी समर्थक चाहते थे कि वो तेजस्वी के करीब पहुंचे, और लिहाजा उन्होंने मीडिया गैलरी के बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। हमने कई बार रिक्वेस्ट किया कि आप कम से कम मीडिया के गैलरी को छोड़ दें। और जब तेजस्वी बोल रहे थे तो हम लोगों ने अपना माइक को स्पीकर के पास रख दिया था ताकि उनकी आवाज़ जो हो ठीक से कैच हो पाए, और इसलिए हमने, हमारे संस्थान ने और कई संस्थानों ने अपने माइक को वहां पर रख दिया। लेकिन भीड़ इतनी हुई कि हम माइक वहां से उठा नहीं पाए। बाद में जब हम माइक खोजने वहां गए तो माइक हमारे वहां से गायब हो गए थे, चोरी हो गए थे। भीड़ से हमें लोगो दिया गया जिस पे हमारे संस्थान के नाम लिखे होते हैं। जितने संस्थानों के माइक वहां से चोरी हुए सभी के लोगो मिल गए, लेकिन माइक किसी का नहीं मिला। सभी नेताओं की मौजूदगी में वहां से माइक हमारा चोरी हो गया, हमारे पर्स निकाल लिए गए, कईयों के मोबाइल फोन्स गायब हो गए। इस पूरे मामले की शिकायत हमने पटना के गांधी मैदान थाने को दी है, FIR दर्ज कराया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने कई RJD के नेताओं से संपर्क भी किया है, लेकिन अब तक कोई भी नेताओं ने इस पूरे मामले पर सूत्र। कल पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया था और ये महागठबंधन के द्वारा किया गया था, लेकिन जब इस रैली में तमाम मीडिया कर्मी पहुंचे तो उनके साथ काफी दुर्व्यवहार भी किया गया और जो तस्वीरें कल वहां पर आई, हम सभी का जो माइक है वो चोरी कर लिया गया। न्यूज नेशन का केवल माइक ही नहीं, बतौर पत्रकार, बतौर रिपोर्टर जो है मैं वहां गया था, मेरा नाम उत्कर्ष है, और ऐसे में मेरा माइक के साथ मेरा फोन जो है वो भी चोरी कर लिया गया और साथ ही साथ मेरा जो छाता है यानी कि जो न्यूज चैनल का अम्ब्रेला होता है उसे भी तोड़ दिया गया। इस कदर जो भीड़ थी वो बेकाबू हो गई थी कि लालू यादव की बात जो है वो सुनने के लिए सारी बैरिकेटिंग जो है वो उन्होंने तोड़ दिया, और बैरिकेटिंग के बाद जो डी एरिया बनाया गया था जहां पर पत्रकार खड़े थे उसे भी तोड़ दिया गया, और इसी कड़ी में जो माइक है चैनल का वो चोरी हो गया, वो
उन सभी कार्यकर्ताओं ने चोरी करके ले गए और साथ ही साथ इसके बाद जो मोबाइल है वो भी पॉकेट से निकाल लिया गया और कई ऐसे पत्रकार थे जिनके जो वॉलेट है वो भी निकाल लिए गए थे। हालांकि इसके बाद हमने पटना के गांधी मैदान थाना में इसको लेकर जो है वो FIR भी दर्ज कराए थे। अब बीजेपी इस मामले पर RJD को घेर रही है, लेकिन अगर रैली में ऐसा हुआ है तो वाकई ये बहुत गलत है, बहुत दुखद है, क्योंकि रैली को कवर करने के लिए पत्रकार वहां पर पहुंचे थे, लेकिन जिस तरीके से RJD कार्यकर्ताओं की तरफ से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, अगर ये सही है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि RJD के कार्यकर्ता गुंडई पे उतर गए। आपको इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।